नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्राइम टीवी टीम भी ऐसे जुझारू प्रत्याशियों के पास जाकर उनके एजेंडे पर बात करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने राजधानी लखनऊ के चिन्हट प्रथम वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद असफाक से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। निकाय चुनाव में अब सिर्फ दो दिन बचा हुआ है। सभी पार्टी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जाके अपने अपने जनता से अपने अधूरे काम जो है से पूरे करने के लिए फिर से वादे कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम जो है लखनऊ के हर वार्ड में जाके उसके जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करने के, उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अपने जनता से इस बार क्या वादे कर रहे हैं और क्या उनके अधूरे काम जो पूरे करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद असफाक लाला फलवाले जी उपस्थित हैं, जो कि चिन्हट प्रथम वार्ड 50 से हैं। और आइए जानते हैं उनसे कि आखिर वो अपनी इस बार जनता से जा रहे मिल रहे होंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या उनका नया एजेंडा होगा। मोहम्मद असफाक जी, क्या अब जनता से जा रहे मिल रहे होंगे, इस बार जो आपका चुनाव है किस प्रकार का एजेंडा है, क्या राजनीतिक नए मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही है कि 5 साल सभासद रहने के बाद में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। अब जनता जब जाते हैं तो जनता यही कहती है कि सबको मौका दिया आपके, हम लाला फलवाले को मौका दे रहे हैं, तो अभी हमको मौका मिलेगा तो हम जो काम अधूरा है वो काम पूरा करेंगे। पहली बार क्या है कि यहाँ पर वादे तो बहुत सारे बीजेपी का, तो आप तो जानते हो बीजेपी का ये मुद्दा नहीं बताता है कि मतलब रोटी कपड़ा और विकास, कभी ये नहीं सोचा है कि भाई रोटी कपड़ा और मकान इनके पास है कि नहीं है, खाली विकास की बात करता है। विकास में क्या होता है भाई, विकास कुछ करके तो विकास तो होता है बड़े बड़े आदमी लोग का, स्कूल बन रहे हैं, मदरसे वो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। जनता गरीब के लिए क्या बन रहा है, गरीब के लिए कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए अभी हम ये सोचे हैं कि छोटा चुनाव है, चुनाव बहुत छोटा है मगर संकट बहुत बड़ा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 30 साल से अपना झंडा उठाती थी मगर अभी हमने झंडा जो उठाया हूँ तो झंडा हमारी जनता उठा के हमको दिया है कि आपको मैं उठा के रखूँगा। और जनता हमारे साथ है, गली गली की जनता हमारे साथ है। अभी हमारी रैली हुई है तो सैलाब रैली नहीं, सैलाब हुई थी, जनता देखी है कि जैसे जनता हमारे साथ है। हमारे साथ पहले तो चुनाव ऐसे लोग लड़ते थे, लोग तो खाली हिंदू मुसलमान के हिसाब से होता था मगर अब की हमारे साथ में हिंदू मुसलमान सब एक हैं, हरिजन होए, लोधी होए, जो भी जात है वो हमारे साथ खुल के मिलकर हमारे साथ चलता है और अब की चुनाव हमारा अच्छा लग रहा है। सर, आपने कहा कि ये छोटा चुनाव है लेकिन आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा राज्यसभा से कहीं, क्योंकि जनता से ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। और इसमें आप जा रहे होंगे, जनता की समस्याएं सुन रहे होंगे, उनकी हर जो रोजमर्रा की चीज़ें उनकी परेशानियाँ सुन रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा चुनाव है, तो इसके क्या आप परेशानियाँ सुनी अपने जनता से, क्या जनता आपसे अपील करना चाह रही है इस बार? जनता ये कह रही है कि इतना चुनाव ये हम लोग के ऐसा हो गया है कि मतलब जनता सोच रही है कि ऐसा चुनाव आपकिन कभी नहीं हुआ जैसे आपकिन होगा चुनाव, क्योंकि हर चुनाव में बीजेपी का ही झंडा रहता था कि मैं रोड बनाऊंगा, मैं नालियां पक्की कर दूंगा, मैं पानी साफ दूंगा, मैं गरीबों का जो हमदर्द है पिंसल है वो दूंगा, तो कुछ दिया नहीं उनको और ना कभी कोई काम ऐसा हुआ है कि जनता उनसे खुश रहे। इसलिए जनता कह रही है चुनाव तो ये छोटा है मगर ये बहुत बड़ा चुनाव है। चुनाव बड़ा इसी बात का है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं तो 1-1 लड़ रहे हैं, बाकी और कोई नहीं लड़ रहा है, मैं 1-1 मन लड़ रहा हूँ। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बीजेपी से लड़ रहे हो, क्योंकि कांग्रेस भी हर जो राज्य में जाके अपना अपना जो संघर्ष कर रही है, वादे कर रही है, वो भी अपने जनता के साथ है लेकिन तब भी संघर्ष करते हुए दिख रही है, तो क्या आप इस बार जो निकाय चुनाव में लड़ते हो, क्या जनता को आपका जनता का साथ मिल रहा है, उनका क्या आपको लग रहा है, क्या कहना है जनता? इतने साल से जनता कांग्रेस लड़ रही थी तो कांग्रेस का क्या था, हमारा परिवार बिखर गया था, जनता का जो परिवार था वो बिखर गया था। और देखिए घर में कुछ ना कुछ जब लड़ाई होती है तो परिवार बिखर जाता है मगर खून का रिश्ता जो होता है, नेहरू जी का और गांधी जी का जो रिश्ता था ना, वो दोबारा फिर जग रहा है। अब हमारा खान जितना परिवार था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो हमारा परिवार पूरा एक में मिल रहा है अब, और जब एक मजबूत मिल जाता है ना तो बहुत मजबूती आ जाती है। तो सर, चुनौतियाँ भी आपको आ रही है इस चुनाव में, क्योंकि इस बार सपा, बसपा, प्रसपा सब जो पार्टियाँ हैं जोर शोर से तैयारी करी है, इस चुनाव के मेन मुद्दा है लोकसभा के एक लिटमस पेपर की तरह देख रहे हैं, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव माना जा रहा है, तो आपका क्या मानना है? नहीं, चुनाव में कुछ नहीं, जनता जो है एक बार ये बदल जाती है ना, ऐसे मोदी जी भी आए थे तो लहर कोई नहीं थी, खाली एक लहर क्या था, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तो ऐसे अब एक भाई फिर चांस आ रहा है कि कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस, अब एक नारा ये भी आ रहा है कि जय कांग्रेस का भी नारा आ रहा है कि कांग्रेस को अब जो है जो बनवास करना था, सीता जी ने 14 साल बनवास किया था तो हम तो 10 ही साल किए हूँ,
अभी 10 साल मेरे हुए भी नहीं। सीता को 14 साल वनवास करना पड़ा था, हमको तो अभी 10 ही साल वनवास करते हुए, और 10 साल पूरे होते होते उनकी लुटिया डूब गई। तो इसलिए हमारी जो है बहुत अच्छी संगत है, और कांग्रेस की ये इतना है कि कांग्रेस अब उभर के अब सामने आ जाएगी। अभी कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, अब कर्नाटक में इनके विधायक होते हुए इनके मुख्यमंत्री होते हुए वो कांग्रेस में आके। सर हमने देखा में जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सीवर की समस्या है, आप ये सब समस्या देख रहे होंगे, तो क्या इसको बदलने के लिए कुछ आप नया एजेंडा या कुछ सोचे हैं कि हाँ अपने वार्ड में अगर हम फिर से पार्षद हमारी जनता चुनती है तो कुछ नया करेंगे कुछ ऐसा? हम जनता से ये वादा कर रहे हैं कि हम वहाँ से सभासद जैसे बाहर निकलेंगे पहले घर नहीं जाएंगे, पहले जो गली में जितनी गंदगी और जितने नाले बह रहे हैं उन लोग से पेन कागज ले लेंगे। आप अपने गली की बताइए, जैसे हमारे पास कोई किस्त आती है पहला काम मुझे गली का जो देख के वो काम करके दूंगा। जनता ये कहे कि जो वादा किया था वो वादा मैं करके दूंगा। दूसरा वादा ये कि हमारे वहाँ दो चीज़ की बड़ी तकलीफ है चन्हेड में। एक से ये तकलीफ है कि हम लोग मुसलमानों में कोई भी कोई त्यौहार का कोई चीज़ हमको मिलाद या कराना हो या कुछ मतलब बड़ी जगह लेना चाहे, शादी ब्याह गरीब की किसी करना चाहे, तो मेरे पास जगह नहीं। दूसरी बात क्या है, लड़कियाँ के हम लोग की बच्चियाँ जो हैं छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कोई मदरसा नहीं लड़कियों को, कोई मदरसा नहीं। तीसरी कमी ये है कि जो जनता इन्हें वादा करके जाते हैं वो चीज़ कभी पूरा नहीं करते। दोबारा तिबारा हो चुका है कि मैं करके दूंगा, मगर ये पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं जनता से कहता हूँ कि पहला काम मेरा ये रहेगा, जो मेरी बच्चियाँ हैं छोटी जो मदरसे पढ़ने लायक की, उनको मैं एक मदरसा छोटा बना के दूंगा कि मेरी बच्चियाँ मदरसा पढ़ें, ठीक है। और ये भी कह रहा हूँ कहीं पर भी मंदिर है और टूटा है कहीं गिरा हो वो भी बनवा के दूंगा। मतलब जात में नहीं कि मैंने एक जात का किया दूसरे जात का नहीं, दोनों जात का काम करूंगा। आपने कहा कि किसी बच्चियों को मदरसे की स्कूल देगी, तो क्या आप जैसे अन्य जाति के और स्कूल भी जैसे विद्यालय होगा तो वो उन सब पे आप नहीं काम करेंगे, सिर्फ मदरसा ही बना के देंगे? नहीं, नहीं, क्या आपका कहना? हमने आपसे कहा था कोई मंदिर में भी काम होगा वो भी करके दूंगा। देखो पहले सुनिए, ये फूल गुलाब के सब जगह लगते हैं, सारे पेड़ में गुलाब के फूल लगते हैं, मगर जो फूल नसीब वाला होता वही सीता वही मजार पे चढ़ता है, बाकी फूल तो बहुत खिलते हैं। ये ना बोलो कि मतलब फूल सब खिले तो सब सीता पर चढ़ गए थे, चढ़ता एक ही फूल है। तो ऐसे मेरा एक कहना है कि दलित हो, अभी दलित का हमारे दलित पर गए थे वो क्या है कौन से थे वाल्मीकि लोग, वाल्मीकि लोग की जगह थी उनकी शमशान घाट, वो शमशान घाट में उसने लैट्रिन बना दिया है, एक कमरा बना दिया। जितने वाल्मीकि बेचारे परेशान हैं कि मेरी थोड़ी शमशान घाट की जगह थी उसमें भी उन्होंने कहा कि आपकी भी आपकी सभासद ने उसमें एक दो लैट्रिन बनवा दिया, एक एक जो है कमरा बना दिया। तो ये भी सब ये भी हम बनवाऊंगे तोड़ के देंगे। ये वादा है कि उनका जो शमशान घाट है जैसा था वैसे शमशान घाट उनका हम करके देंगे। सर आपके मंडल में जैसे बाजार मंडल इसको कहा जाता है, चिन्हट बाजार मंडल, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो गया, तो क्या इन सब में कुछ सुधार करना चाहेंगे आप? क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं कि सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए क्या सोचें? ये ऐसा समस्या है कि ये हमारी समस्या ये है कि हमारे पास जगह यहाँ रोड की कम है। दो रोड हमारी पार हो गई, पास हुई हैं, दो रोडें पास हो गई, मगर वो रोड भी क्लियर नहीं हुई है। जिस दिन वो रोड क्लियर कर देगी सरकार तो ये जाम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाम में क्या है कि हमारे नगर निगम में कोई ऐसी एप्लीकेशन है तो हम दे सकते हैं कि नगर निगम आएगी रोड पे बेचारे गरीब ठेले वाले उनको उठा के फेंक दो, तो वो हम नहीं करते हैं, मगर वो नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा ये है कि जो नगर निगम का जो काम है वो मेरी जिम्मेदारी रहेगा और वो मैं करके देंगा। सर आप प्राइम टीवी की टीम ये चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचा है, तो कुछ तो आप जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, जैसे हमारे पास 2 महीने से लगे थे अब 2 दिन का बाकी रह गया 3 दिन का, जनता मेरी घर से खुल के निकल के आए और हर जनता जैसे मान रही थी कि लाला भाई को मैं वोट दूंगा तो वैसे 3 दिन के अंदर कोई मन बदली ना करे और वोट हमें दे दे, क्योंकि मैं प्रत्याशी ऐसा हूँ जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और जमीन की मुझे हालत मालूम है कि जमीन कैसा होगा। तो ये थे हमारे साथ चिन्हट प्रथम वार्ड से मोहम्मद अशफक जी, जिनका कहना है कि अगर हमको जनता फिर से पार्षद चुन के लाती है तो हम जनता की हर जो समस्याएं हैं, जो उनके घरेलू मुद्दे जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको हम पूरा करेंगे, चाहे वो शिक्षा से लेके, चाहे सीवर नाली, चाहे ट्रैफिक, हर मुद्दे पे और चाहे हर समस्या पे हम उस पर काम करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।